सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, हम मेधा का लेसन नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है जगदीश चंद्र बसु। तो बच्चों, इसके पहले की तासिका में मैंने आपको जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी में ये जो छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम है राहुल, वो अपनी माँ को पौधों के बारे में जानकारी पूछता है कि वो बोलता है कि जब मैं इस पौधे को हाथ लगाता हूँ तो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं, और जैसे मैं हाथ निकालता हूँ वैसे वो पहले के जैसे होते हैं। ऐसे क्यों होता है? तो उसकी माँ बताती है कि ये सबसे पहले इस पौधों और पेड़ों में जीवन होता है, वो भी संवेदनशील होते हैं। ये सबसे पहले हमारे जो महान वैज्ञानिक होकर गए, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बताया था। तो राहुल बोलता है कि मुझे जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जानकारी बताओ ना। तो उसकी माँ जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकारी उसको बताती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसके पहले की तासिका में देखा था। तो बच्चों, आज की इस तासिका में हमको इसके आगे का पार्ट लेना है, ठीक है। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 25 निकालना है, ठीक है, ये वाला पेज। और यहाँ पर सेकंड जो पैराग्राफ है, 9 वर्ष, यहाँ से अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब बच्चों ने उस पर फिंगर रखना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता चले गए। तो बच्चों, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उनके गांव में ही होती है, ठीक है, सर्वसाधारण स्कूल में। उसके बाद में जब वो 9 वर्ष के हो जाते हैं तब उनके पिताजी उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता भेज देते हैं, ठीक है। तो बच्चों, वहां पर भी उनकी जो पहले से रुचि थी, जो कि पेड़ पौधों में थी, वो रुचि वहां पर भी बरकरार रही। वहां भी वे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। और पहले तो उनकी वैसी रुचि थी, पर वहां जाने से उनकी और रुचि वहां पे बढ़ गई। हर पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का वो क्या करते, बारीकी से निरीक्षण करते, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते उसका हल निकालने की वो पूरी कोशिश करते। वे तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते, पौधों की जड़ें उखाड़कर देखते, फिर चिंतन करते। क्या करते हो, कभी फल फूल के पौधे लगाते, फिर उसका निरीक्षण करते रहते, उसका विचार करते रहते। तो कभी जो पौधे उन्होंने लगाए हैं उसको उखाड़ते, और उनकी जो जड़ें हैं जो जमीन के नीचे रहती है उसका अध्ययन वो करते रहते। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। और उनको पहले उनका जो प्रश्न था उनके मन में उत्पन्न होने वाला कौन सा, कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वो दिन रात कोशिश करते रहते। उसका उन्होंने पीछा पकड़ लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं इस प्रश्न का जो जवाब है, जो उत्तर है, वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। और ये कार्य करने के लिए वो दिन रात उसके पीछे जुट जाते। वे हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुड़ गए। और सही में पेड़ पौधों में भी जीवन होता है क्या? हमारी तरह हम जैसे सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं क्या? हम जैसे खाना खाते हैं, हम जैसे पानी पीते हैं, वैसे वो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं क्या? ये सब जानने के लिए वो हमेशा उस कार्य में जुड़ गए थे। विज्ञान के जगदीश चंद्र बसु का जीवन था विज्ञान के आजू बाजू ही, मीन्स पेड़ पौधों और जीव जंतु के आजू बाजू ही वो हमेशा मंडराते रहते, मीन्स विज्ञान ही उनका क्या हो गया था, जीवन हो गया था। वे दिन रात खोज में लगे रहते थे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए, और उसकी अधिक खोज करने के लिए उन्होंने क्या किए, 2 यंत्र बनाए थे। कौन सी 2 यंत्र? नौसी, एक था केस्कोग्राफ, कौन सा यंत्र, केस्कोग्राफ, ठीक है, और नंबर सेकंड यंत्र बनाया था उन्होंने रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस रिकॉर्डर, ठीक है। ये 2 यंत्र उन्होंने बनाए जिससे उन्हें अधिक जानकारी उसमें हासिल हुई। फिर जो केस्को
क्रेस्कोग्राफ था वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था। जो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र था उससे क्या होता था कि पौधों की वृद्धि नापने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। वृद्धि मीन्स क्या? बढ़ने की प्रक्रिया, कि पौधे किस प्रकार से बढ़ते हैं उसको नापने की जो प्रक्रिया है, उसको नापने का जो यंत्र है वो कौन सा था? क्रेस्कोग्राफ। और जो दूसरा था रेजोनेंस रिकॉर्डर, तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे कांपने लगते हैं। और जो दूसरा यंत्र बनाया था जो कि था रेजोनेंस रिकॉर्डर, इससे उनको क्या ज्ञात होने वाला था कि जो पेड़ पौधे रहते वो उनको अगर हमने कष्ट पहुंचाया तो उनको भी दर्द होता है, उनको अगर हमने मारा तो उनको भी कष्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में मरने के पहले वो भी कांपते हैं, ये उन्होंने रेजोनेंस रिकॉर्डर के द्वारा ज्ञात किया, ठीक है। तो बच्चों ये जानकारी उनको लोगों को बताना था, तो उन्होंने बताया, लोगों ने यकीन किया, ऐसे होने वाला था कि नो, तब उन्होंने वहां पे उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, नौसी उन्होंने पौधे के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। तो जो भी पौधे थे उन्होंने क्या किया, उसके दृश्य एक पर्दे पर सब लोगों को दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहर दौड़ाई जिससे पौधों का कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई पड़ा। उन्होंने क्या किया कि पर्दे पर एक जीवित पौधा लिया और उसमें विद्युत सप्लाई की, इलेक्ट्रिक करंट। तो उससे क्या हुआ कि वो जो पौधा था वो पहले कांपने लगा, उसके अंदर वो तड़पने लगा और फिर थोड़ी देर के अंदर वो निर्जीव हो गया, मिस मरा हुआ सा हो गया। जैसे हमको भी अगर इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो हम क्या करते, पहले कांपने लगते, उसके अंदर फिर तड़पते और बाद में उसके कारण हमारी मौत हो जाती है। वैसे सेम पौधों में भी होता है, ऐसे उन्होंने पर्दे के द्वारा लोगों को बताया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और ये सब देखकर वो जो लोग थे वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि सही में ऐसे होता है क्या, पहली बार ऐसे उन्होंने सुना था। विज्ञान की इन खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र बसु सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। और बच्चों उन्होंने ये जो खोज की थी, इस महान खोज के कारण वो पूरी दुनिया में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, सब लोग उनको जानने लगे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि देकर सम्मानित किया और इस गौरवशाली कार्य के कारण उनको अंग्रेज सरकार ने क्या किया ना, सर की उपाधि दी। उपाधि में इसकी पदवी, सर नामक पदवी, उनको सर नामक पदवी देकर उनको क्या किया था, सम्मानित किया था। जगदीश चंद्र बसु की इच्छा थी कि भारत वर्ष में ही विज्ञान संस्थाएं खुले ताकि हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। और बच्चों जगदीश चंद्र बसु की एक इच्छा थी कि जितने भी विज्ञान प्रेमी थे, जितने भी विज्ञान के बच्चे थे, उन बच्चों के लिए अपने भारत में ही विज्ञान संस्थाएं खुलना चाहिए ताकि वो बच्चे अपने भारत में ही रहकर उसकी पढ़ाई कर सके, उसकी पढ़ाई के लिए उनको फॉरेन जाने की या विदेश जाने की जरूरत न पड़े। तो 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। और बच्चों ये जो महान वैज्ञानिक था जिन्होंने इतनी बड़ी खोज की थी, तो ऐसे महान वैज्ञानिक की मृत्यु 23 नवंबर 1937 को हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस संसार में सदा जीवित रहेंगे। पर बच्चों उन्होंने ये जो कार्य किया था, ये महान कार्य के कारण वो आज भी सदैव हमारे मन में, हमारे दिल में वो रहेंगे। आज भी हम उनको इस महान कार्य के कारण हमेशा याद करते हैं। तो बच्चों हमने भी हमारे जो कार्य है वो कैसे करना चाहिए, अच्छे करना चाहिए। देखो बच्चों कोई भी व्यक्ति ये नाम से नहीं पहचाना जाता, उसके कार्य से पहचाना जाता है। इसीलिए हमने भी हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करना चाहिए ताकि लोगों के दिल में हम हमेशा रहें। राहुल को माँ की बातें रोचक लगी और बेचारा छोटा सा राहुल अपनी माँ की जो बातें हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा।
और उसको ये सब बातें सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा और उसने तभी ठान ली कि मैं भी जगदीश चंद्र बसु की तरह अपना एक ध्येय निश्चित करूंगा, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और बड़ा होकर कुछ अच्छा इंसान बनूंगा। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा जिससे मैं भी कुछ करके दिखा सकूं। अपनी माँ को बोलता है वो कि मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और बड़ा होकर कुछ अच्छा इंसान बनूंगा। तो बच्चों, हमने भी मन लगाकर हमेशा पढ़ाई करना चाहिए। ये लेसन आपको पढ़ाकर मैं भी एक आशा करती हूँ, मेरी भी एक इच्छा है कि आप सबने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई ऐसे ही मन लगाकर करना है, ठीक है, ताकि बड़े होकर आप एक अच्छे इंसान बन सको, ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मेरी इच्छा आप पूरी करोगे, ठीक है। माँ ने उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, सच्ची लगन हो तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। और उसकी माँ उसके ये वाक्य सुनकर उसको पास में लेती है, उसके गाल ऐसे थपथपाती है, मिस प्राउड फील करती है, उसको वेरी गुड बोलती है और बोलती है कि सही में अगर हमारे मन में कोई भी कार्य करने के प्रति अगर सच्ची लगन है, सही में इच्छा है, तो कोई भी कार्य असंभव ये नहीं होता, मिस हर कार्य ये पॉसिबल हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस लेसन के द्वारा हम भी ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं कि जो भी पढ़ाई हम करेंगे वो मन लगाकर करेंगे, जो भी कार्य हम करने जाएंगे उसमें हम सफल होंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प मन में रखकर हम क्या करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है, जो पेज नंबर 26 और 27 पर है, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने लेसन पढ़ लिया तो आपको सब आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, और नहीं भी मिले तो जब भी मैं आपको नोट सेंड करूंगी तब अपने नोटबुक में और टेजू में उसको अच्छी एडिटिंग में लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू।